खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। भोपाल राजधानी के गांधीनगर क्षेत्र के गोंडा बस्ती पारदी मोहल्ले में एक व्यक्ति की हुई हत्या। मृतक का नाम नीमक सिंह, उम्र 45 साल। रात 12 बजे की घटना। आरोपी को पुलिस ने तत्काल किया गिरफ्तार। आरोपी का नाम ब्याज सिंह, उम्र 24 वर्ष। शराब के नशे में हुआ था दोनों का आपसी विवाद। विवाद के चलते आरोपी ने मृतक के पीठ एवं पेट पर चाकू से किया वार। मृतक को घायल अवस्था में उपचार हेतु हमीदिया भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। आरोपी और मृतक दोनों ही एक समाज के लोग हैं। निषादपुरा में एक बड़ा अच्छा बड़ी अच्छी सफलता मिली है, जिसमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी सीएसपी निषादपुरा और थाना प्रभारी रतन से, जिसमें कि मोटरसाइकिल है, वाहन चोर उसको पहुँचने की फिराक में है। तत्काल पार्टी गई, उसके बाद उस दो वाहन चोरों को पकड़ा गया। उनसे जब और पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हमने कई घटनाएँ की हैं और अभी तक वर्तमान में 12 मोटरसाइकिल कुल 8 लाख रुपए लगभग कीमती बरामद किया जा चुका है, और इसके अलावा अन्य पूछताछ जारी हैं। इनके खिलाफ भी पहले के आपराधिक रिकॉर्ड थे और उसमें पुलिस अधीक्षक महोदय और डेल्टा साहब द्वारा पूरी टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। एक दामाद के द्वारा चचिया ससुर की चाकू मौके को घायल कर दिया। रात को रिपोर्ट आने पर पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए FIR पंजीबद्ध की और उसको इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां बाद में उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा तत्काल आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया। विवाद के कारण में जो बताया गया है कि शराब पी के आए थे और उसी में मुर्गा और शराब के बारे में थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया, उसी बात को लेकर उसे चार्ज मार दिया। तो आरोपी जो फरियादी मृतक हैं, मृतक का आपराधिक रिकॉर्ड भी है और गांधीनगर के HS भी बताया गया। जो पारदी समाज से, हाँ, दोनों पारदी समुदाय से हैं, दोनों आपस में रिश्तेदार। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। समय जगत, एक संदेश पूरा देश।